टिक्की अब वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा मैं रिस्क लेकर थोड़ा और करीब जा रहा हूँ, डर भी है थोड़ा सा। निर्भया के साथ हम न्यूज़ रिपोर्ट लाइव रिपोर्टिंग। आज तक आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, ये देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज रेस्क्यू कर रहे हैं हम मधुमक्खियों को शहद खाने के लिए। और यहाँ पे हमारे मेन लीडर कुर्ते पजामे में आज जुम्मे के दिन तो ये देखो सभी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। ये हमारी पेटी है और मैं आपको दिखाऊंगी मधुमक्खी। देखो मधुमक्खी, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ ये मधुमक्खी बैठी हुई है बिल्कुल सेम मतलब पोजीशन में। यहाँ पर सामने मधुमक्खी बैठी हुई, हमने इसको भरना है अपने इसमें। तो ये हम छत पर चढ़ गए हैं और ये देखिए ये हमने पेटी बना ली है। हमने ये ले लिया चम्मच मधुमक्खी का और इसमें देखो ये जुगाड़ लगा के हमने ये लंबा वाला चम्मच बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो हम इसके साथ भरेंगे। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ पे है मधुमक्खियाँ और ये देखो ये रेस्क्यू पांडा। शोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? शोषण मधुमक्खियों का। हाँ शोषण बड़े ज्यादा। ये देखिए स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे। अभी वो देखो मधुमक्खियाँ वहाँ पे, वो देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं। तो अभी इनको हम पकड़ रहे हैं, मतलब इनके लिए एक बढ़िया सा एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए अभी हमने अपना बॉक्स बांध लिया है, अब हम इसकी मदद से हम इन्हें भरेंगे इसमें, इनको घर प्रोवाइड करवा रहे। कितना मेहनत का काम है। और वो शख्स देखिए, वो जालिम निर्दयी शख्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रोसेस चालू हो चुका है। ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखिए तो जैसे कि देख सकते हो नज़ीर भी आने उसमें डब्बे में मधुमक्खी को डाल दिया। ये ऑटोमेटिक की अब वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा मैं रिस्क लेकर थोड़ा और करीब जा रहा हूँ, डर भी है थोड़ा सा। निर्भया के साथ हम न्यूज़ रिपोर्ट लाइव रिपोर्टिंग। आज तक आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, ये देखिए। इसमें डर भी बहुत है और जोश भी बहुत है। हमारा वाइट पांडा नीचे कूद गया है। तो देखिए हमारे नज़ीर भैया ने और मुमताज़ ने जो सारी मधुमक्खियाँ उस पेटी में कर ली हैं और अभी इसका आगे से फ्रंट ढक्कन, अभी दो तीन मक्खियाँ हैं उनको अभी हम कवर अप करके अंदर ढक्कन बंद करके इसको अपनी एक बढ़िया सी जगह पे इसको रख देंगे ताकि ये आराम से अपना ये मतलब सेफ प्लेस महसूस करें और यहाँ पर दो तीन दिन टिकी रहें और फिर आराम से अपना यहीं पर घर बसा देंगी। देखो यहाँ पे बुकिंग हो चुकी है नज़ीर भैया की। अगर एक ऑफिस आप देखिए हमारे आराम से लेटे हुए हैं इस टाइम आड़ू के पेड़ की छाओं के नीचे और यहाँ पे रेस्क्यू चला है। अब ऑफिस के पास देखिए पकड़ा देते हैं हमें से। हाँ देखे हाँ जी अच्छा आराम से जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। तो फाइनली देखो हमारा जो था मतलब जो हमने टारगेट लिया था आज मधुमक्खी इकट्ठे करने, वो इकट्ठी होगी और वो हमने रख दी वहाँ पर और हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी तरह मधुमक्खियाँ पकड़ते रहो आप भी।